वेलकम बैक दोस्तों, आज की मूवी का नाम है चतुर्मुखम और एक मलयालम मूवी है जो रिसेंटली Zee5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। उसी तरह एक टेक्निकल हॉरर मूवी है। आप लोगों ने रजनीकांत की रोबोट 2.0 मूवी देखी तो होगी, उसी टाइप की है ये मूवी। मतलब ये मूवी आम हॉरर मूवीज की तरह नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी को ऐड किया है। सारी की सारी कहानी एक फोन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो भी हो, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट, और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक भाई साहब हमें ये मैसेज देते हैं, मैन हैव बिकम द टूल्स ऑफ देयर टूल्स। बहुत ही मीनिंगफुल कोटेशन है ये, रियली। दूसरे सीन में एक पुलिस ऑफिसर जब अपने घर में होता है तो इसके मोबाइल को एक कॉल आने लगता है। जब वो पुलिस वाला उस फोन को लिफ्ट करता है तो कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है। खास के बाद वो पुलिस वाला अपना टेबल फैन ऑन करके शराब पीते हुए सोफे पर बैठता है, और तभी उस टेबल फैन के अंदर चिंगारियां आने लगती है, और देखते ही देखते ही एक अनजान बंदा उस पुलिस वाले को आवाज देते रहता है। ये पुलिस वाला पूछने लगता है कौन है वहाँ पर, लेकिन इस पुलिस वाले को कोई भी दिखाई नहीं देता। और तभी हम ये देख पाते हैं कि उस टेबल फैन के फंके निकल के इसके गले को काट देते हैं, और ये पुलिस वाला मर जाता है। उसके बाद इस पुलिस वाले के फोन को दिखाया जाता है जो ऑटोमेटिकली इसकी बैटरी डाउन होती रहती है। दूसरे सीन में क्लेमेंट नाम का एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एनर्जी के बारे में क्लास देते रहता है। क्लेमेंट अपने स्टूडेंट्स को बताने लगता है, हमारे आसपास की हर एक चीज को एनर्जी चाहिए उसे वर्क करने के लिए, और उसी तरह हम इंसानों में भी एनर्जी होती है। एनर्जी को कोई भी बना नहीं सकता, और उसी तरह उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एनर्जी सिर्फ एक शेप से दूसरे शेप कन्वर्ट होती है। खैर, अपनी क्लास खत्म होने के बाद जब क्लेमेंट अपने घर जा रहा होता है तो क्लेमेंट से मिलने के लिए एंटोनी नाम का एक बंदा आता है और इसे बात करना चाहता है। तो क्लेमेंट एंटोनी को अपने घर ले जाता है। यहाँ आने के बाद एंटोनी क्लेमेंट को बताने लगता है, मेरे नजरिए में आप ही एक लौती इंसान हो जो साइंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मेरी फ्रेंड के साथ एक अजीब का इंसिडेंट पेश आ रहा है, और प्लीज आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। इस तरह से एंटोनी जो कुछ भी हुआ वो क्लेमेंट को सुनाने लगता है। तेजस्विनी नाम की एक बंदी की सुबह इसके फोन से स्टार्ट होती है। जब तेजस्विनी अपनी आँखें खोलती है तो वो पहले अपना फोन का मोबाइल डेटा ऑन करती है, सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करती है, और उसी तरह तेजस्विनी जो कुछ भी काम कर रही हो, एक हाथ में काम होता है और दूसरे हाथ में इसका फोन होता है। इस तरह से तेजस्विनी अपना सारा टाइम अपने मोबाइल के साथ ही बिताती रहती है। तेजस्विनी और एंटोनी ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई खत्म करके CCTV कैमरेज का बिजनेस स्टार्ट किए हुए रहते हैं, लेकिन इनका बिजनेस बहुत ही डल चल रहा होता है। ये दोनों परेशानी में रहते हैं कि किस तरह से अपनी स्टाफ को सैलरीज दें। अगर एक ऑर्डर भी इनके पास आया तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा। खैर, दूसरी तरफ तेजस्विनी एक डॉक्टर से जा मिलती है, और इस डॉक्टर के हॉस्पिटल में कुछ CCTV फुटेज फिट करना होता है। उसी की डील बात करने के लिए तेजस्विनी इस डॉक्टर के पास आती है और इस डील को ओके कर लेती है। उसी दिन तेजस्विनी अपनी माँ के बुलाने पर शहर से अपने गाँव जाती है। मतलब शहर में तेजस्विनी एक हॉस्टल में रहती है। तेजस्विनी का एक भाई होता है जो एक बैंक में काम करता रहता है। कुछ महीनों पहले तेजस्विनी अपने बिजनेस के लिए अपने भाई के बैंक में लोन लिया था, लेकिन तेजस्विनी इस लोन को सही तरह से पे नहीं कर रही होती, और इसी की वजह से तेजस्विनी का भाई तेजस्विनी से बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि तेजस्विनी उन पैसों को पे ना करने की वजह से वो बैंक वाले तेजस्विनी के भाई के अकाउंट से पैसे काटते रहते हैं। खर्च के बाद तेजस्विनी की माँ तेजस्विनी को शादी करने के लिए फोर्स करती रहती है, लेकिन तेजस्विनी कुछ और बहाना बोल के इस बात को टाल देती है। उसी दिन रात तेजस्विनी के गांव में एक फेस्टिवल चलने लगता है, तो तेजस्विनी भी अपने माँ के साथ वहाँ पर जाकर अपने फोन से फोटोज वीडियोस वगैरह क्लिक करती रहती है। और उसी फेस्टिवल में कुछ औरतें आई हुई रहती है जिनके बॉडी में देवी माँ वगैरह आती है ना, ऐसी औरतें। वो फेस्टिवल खत्म होने के बाद जब वो सारी औरतें वापस जा रही होती है तो उस वक्त भी तेजस्विनी उनकी फोटोज वगैरह क्लिक करती रहती है, और तभी एक औरत एक चीख मार के अपने हाथ से तेजस्विनी के फोन को ढकेल देती है, जिसकी वजह से तेजस्विनी का फोन नीचे गिर के तालाब में गिर जाता है। उसके बाद तेजस्विनी अपने मोबाइल को शहर लाती है, किसी शॉप में दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका फोन काम नहीं कर रहा होता। कुछ दिनों बाद OnePlus का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, तो तेजस्विनी वो लेना चाहती है, लेकिन इससे पहले टेम्पररीली यूज करने के लिए तेजस्विनी को एक छोटा सा मोबाइल चाहिए होता है। सो तेजस्विनी लो बजट के मोबाइल्स को ऑनलाइन में चेक करने लगती है, तो तेजस्विनी को एक लोकल साइट में लीजा नाम का एक मोबाइल नजर आता है, और इसका ऑफर भी बहुत जबरदस्त होता है। मतलब 15,000 का मोबाइल अब सिर्फ 4,500 में मिल रहा है। इस मोबाइल को देखने के बाद तेजस्विनी सोचने लगती है कि इसने आज तक लीजा कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन इसके बावजूद भी इस फोन का प्राइस लो होने की वजह से तेजस्विनी इस फोन को ऑर्डर करती है। दूसरे दिन तेजस्विनी का फोन डिलीवरी होता है, और फौरन तेजस्विनी उस फोन को बाहर निकालकर सेल्फीज लेने लगती है। खैर, इसके फोन के कॉन्टैक्ट्स अभी भी सिंक ना होने की वजह से तेजस्विनी एंटोनी से उस डॉक्टर का फोन नंबर मांगती है उस डील को कंफर्म करने के लिए।
उसके बाद तेजस्विनी और एंटनी ये दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं, तेजस्विनी ये नोटिस करती है कि कोई अनजान बंदा इसके मोबाइल को मैसेजेस भेज रहा होता है। एंटनी बताने लगता है रॉन्ग नंबर होगा, बस इग्नोर कर दो। और यहाँ पर हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब कभी भी तेजस्विनी इस फोन से सेल्फी लेने लगती है तो आसपास के इलेक्ट्रिसिटी में चिंगारी आती रहती है। उसी दिन रात जब तेजस्विनी अपने फोन को चार्जिंग पे रखे सो रही होती है तो उस प्लग में से कुछ चिंगारियां आती रहती है। ये देखकर जब तेजस्विनी उस प्लग को खींचने ही वाली होती है तो इसको करंट का झटका लगता है। खैर दूसरे दिन तेजस्विनी और उसकी टीम वो हॉस्पिटल जाते हैं सीसीटीवी कैमरास को फिट करने के लिए, और वहाँ का डॉक्टर तेजस्विनी को अकेला पाकर उस पर हाथ डालने लगता है। ये देखकर तेजस्विनी उस डॉक्टर पर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तेजस्विनी की आवाज़ सुनकर फौरन एंटोनी वहाँ पर आता है, और जब तेजस्विनी एंटोनी को कुछ बताने ही वाली होती है तो वो डॉक्टर अपना फोन निकालकर एंटोनी को दिखाने लगता है कि कल रात तेजस्विनी के मोबाइल से इस डॉक्टर को कुछ रोमांटिक मैसेजेस आए हुए रहते हैं। इस तरह से वो डॉक्टर तेजस्विनी पर ही ब्लेम करने लगता है। एंटोनी फौरन तेजस्विनी को उस हॉस्पिटल से बाहर लाता है। कार में बैठने के बाद तेजस्विनी अपना फोन निकालकर एंटोनी को दिखाने लगती है कि इसने कल रात एक भी मैसेज उस डॉक्टर को नहीं किया, लेकिन एंटोनी इसकी बातों को लाइटली लेने लगता है। खैर अपने ऑफिस आने के बाद तेजस्विनी उस लोकल साइट को ओपन करती है, और जब इस फोन को रिटर्न करने वाली होती है तो उसमें रिटर्न का ऑप्शन नहीं होता। तेजस्विनी ये सोचने लगती है कि शायद इस फोन में कुछ सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा, और इस फोन को ले जाकर एक मैकेनिक को दिखाने लगती है। तो वो दुकान वाला बंदा तेजस्विनी से कहने लगता है कि फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसी तरह सेफ्टी के तौर पर तेजस्विनी उसी दुकान वाले के पास एक सेकेंड हैंड फोन खरीद लेती है और इसमें की सिम निकालकर उसमें इंसर्ट करती है। रात में जब तेजस्विनी सो रही होती है तो इसका फोन रिंग होते रहता है। जब तेजस्विनी अपना पुराने फोन को देखती है तो एक्चुअली ये फोन नहीं बल्कि दूसरा फोन रिंग हो रहा होता है। मतलब जिस फोन में सिम है वो फोन रिंग होने के बजाय जिस फोन में सिम नहीं है वो फोन रिंग होते रहता है, और कॉल करने वाली इसकी माँ होती है। और जब तेजस्विनी उस फोन को आंसर देने लगती है तो इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उस फोन से कुछ अजीब की फ्रीक्वेंसी आती रहती है। उसके बाद तेजस्विनी पुराने फोन में की सिम निकालकर फिर से नए फोन में डालती है और अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल कनेक्ट नहीं होता। और उस वक्त टाइम होता है 3:14, और देखते ही देखते ये 3:14 लीजा में बदल जाता है। दूसरे दिन तेजस्विनी अपने गांव जाती है और अपनी माँ से पूछने लगती है, क्या तुमने कल रात मुझे कॉल किया था? इसकी माँ कहने लगती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कल रात मैंने तुमको कॉल नहीं किया। यह सुनने के बाद तेजस्विनी समझने लगती है कि इस सारे प्रॉब्लम की जड़ ये फोन ही है। तो तेजस्विनी उस फोन को तालाब में फेंक देती है। और जब तेजस्विनी वापस अपने घर आती है तो तेजस्विनी ये देखती है कि इसके हाथ में कुछ एलर्जी हो चुकी होती है। इसका हाथ लाल हो चुका होता है। और तभी तेजस्विनी का एक रिलेटिव तेजस्विनी के पास आकर ये कहने लगता है कि तुमने अपने फोन को उस तालाब के सीढ़ियों पर ही छोड़ के आई हो। जब मैंने उस फोन को देखा था तो उस फोन में तुम्हारी तस्वीर थी, ऐसे वॉलपेपर की तरह। ऐसा कहते हुए वो बंदा तेजस्विनी को उसका फोन वापस लौटा देता है। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और जब तेजस्विनी उस फोन को वापस अपने हाथ में लेती है तो इसके रैशेस चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो फिर से तेजस्विनी इस फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है, गोल गोल घुमाने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो फोन खराब नहीं होता, सही सलामत होता है। वाह बेटा वाह, सैमसंग और आईफोन को इस तरह का मोबाइल बनाना चाहिए। उसी दिन रात जब तेजस्विनी वापस अपने हॉस्टल जा रही होती है तो तेजस्विनी किसी रास्ते पर अपने फोन को फेंक देती है। तेजस्विनी थोड़ी दूर आने के बाद तेजस्विनी का फोन रिंग होने लगता है, और तेजस्विनी वापस उस फोन के पास जाकर उस फोन को लिफ्ट कर रही होती है तो वो फोन ऊपर उठ नहीं रहा होता। मतलब इस फोन के अंदर तोर के हैमर की शक्ति आ जाती है। कितना उठाने के बावजूद भी वो फोन इसके हाथ में नहीं आता। और तभी उसी सड़क से एक ट्रक गुजरने लगती है, और पता नहीं कैसे तेजस्विनी हवा में उड़कर साइड में गिर जाती है। मतलब तेजस्विनी उस ट्रक से बच जाती है। और जब तेजस्विनी वापस अपने हॉस्टल के रूम में आती है तो तेजस्विनी ये देखती है कि इसके हाथ पे फिर से वो एलर्जी होती है। इसका हाथ और ज्यादा लाल हो चुका होता है। तब जाके तेजस्विनी को समझ में आता है कि जब कभी भी वो फोन इसके हाथ से दूर जाता है तो इसके हाथ में रैशेस आते रहते हैं। तेजस्विनी फौरन उस सड़क के पास जाती है, उस फोन को ढूंढने लगती है। खैर इधर उधर ढूंढने के बाद तेजस्विनी को वो फोन मिल जाता है, और जब तेजस्विनी उस फोन को अपने हाथ में लेती है तो फिर से ऑटोमेटिकली उसके हाथ के रैशेस चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाद तेजस्विनी उस फोन को अपने रूम में लाकर एक हैमर से उसका स्क्रीन फोड़ देती है, लेकिन देखते ही देखते उस फोन का स्क्रीन फिर से नॉर्मल हो जाता है। और तभी जैसे स्क्रैचेस उस फोन में हुए थे उसी तरह के स्क्रैचेस जख्म तेजस्विनी के गाल पर होने लगते हैं। खैर दूसरे दिन तेजस्विनी लीजा कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स चेक करने लगती है, लेकिन इंटरनेट पर उस कंपनी के कोई डिटेल्स ही नहीं होते। उसके बाद तेजस्विनी उस साइट पर जाकर सेलर के बारे में ढूंढने लगती है,
तो इसे ये बात पता चलती है कि इस फोन को बेचने वाला फिलिप नाम का एक बंदा होता है। और जब तेजस्विनी फिलिप को कॉल करने लगती है तो इसका फोन नॉट रीचेबल होता है। ये देखकर एंटोनी तेजस्विनी से कहने लगता है कि कल हम फिलिप का एड्रेस पता करके उसके घर जाएंगे, उससे हम डायरेक्ट बात करेंगे। दूसरे सीन में फिलिप को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि फिलिप के पास भी एक लीजा फोन होता है। खैर जब फिलिप अपने घर में रहकर अपना काम कर रहा होता है तो देखते ही देखते इसकी घर की लाइट्स ब्लिंक होती रहती है और कुछ देर बाद इसको अजीब की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो आवाज़ इससे कहने लगती है, इट्स माई फोन। फिलिप पूछने लगता है, कौन है वहाँ पर, कौन हो तुम? और तभी वो लीजा फोन रिंग होते हुए हिलने लगता है। और जब फिलिप धीरे धीरे उस फोन के पास जाता है, फौरन वो लीजा फोन हवा में उड़ के फिलिप की छाती को चिपक जाता है और देखते ही देखते फिलिप को हार्ट अटैक आता है और इसकी मौत हो जाती है। इसकी मौत होने के बाद फिर से उस फोन को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे इस फोन की बैटरी डाउन हो जाती है। दूसरे दिन तेजस्विनी और एंटोनी ये दोनों फिलिप का एड्रेस पता करके जब फिलिप के पास आते हैं तब तक देरी हो चुकी होती है। फिलिप कब का मर चुका होता है और इसी घर में तेजस्विनी फिलिप के पास वो लीजा फोन को देखती है और इसे देखकर तेजस्विनी को पक्का यकीन हो जाता है कि फिलिप की मौत इसी फोन की वजह से हुई है। खैर ऑफिस आने के बाद तेजस्विनी फिलिप का फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगती है तो फिलिप भी सोशल मीडिया का दीवाना होता है। मतलब फिलिप भी हर समय सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहता है। और तभी तेजस्विनी एक बात को नोटिस करती है, मतलब तेजस्विनी के सेल्फी में एक नंबर होता है और रियल में कुछ और नंबर होता है। इस तरह से तेजस्विनी को अपनी हर एक सेल्फी में कोई ना कोई नंबर नजर आता है और यही बात कंफर्म करने के लिए तेजस्विनी फिलिप के फोटोज चेक करने लगती है तो इसके फोटोज में भी यही हाल होता है। और इसे देखने के बाद तेजस्विनी को ये बात पता चलती है कि ये नंबर्स घटते आ रहे हैं। ये जान लेने के बाद तेजस्विनी फिर से एक और सेल्फी लेती है और इसको 16 नंबर नजर आता है। और जब तेजस्विनी और एंटोनी ये दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो तेजस्विनी को ये बात पता चलती है कि जो कोई भी बंदा लीजा फोन को खरीदता है तो उसका टाइम 21 दिन से स्टार्ट होता है और वो नंबर्स धीरे धीरे घटते जाते हैं, जस्ट लाइक काउंटडाउन की तरह। और ठीक 12 बजने के बाद तेजस्विनी फिर से एक और सेल्फी लेती है तो इसको 15 नंबर नजर आता है, मतलब इसके पास सिर्फ अब 15 दिन है। इस तरह से एंटोनी तेजस्विनी की सारी बात क्लेमेंट को सुनाने लगता है और इसे कहने लगता है, प्लीज आप ही मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हो, मेरी फ्रेंड इस फोन से बहुत परेशान है। खैर दूसरे दिन तेजस्विनी फिरोज नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आती है। मतलब फिलिप ने उस लीजा फोन को कुछ लोगों को बेचा था और उनमें से फिरोज भी एक बंदा होता है। और यहाँ आने के बाद तेजस्विनी को ये बात पता चलती है कि फिरोज और कोई नहीं इसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। तेजस्विनी इस फोन के बारे में फिरोज से पूछने लगती है तो फिरोज बताने लगता है, ये फोन तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब मैंने इसको अभी तक चार्जिंग पे ही नहीं रखा, सिर्फ एक बार चार्ज किया था। बैटरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है इस मोबाइल की। और इसी बातों ही बातों में तेजस्विनी फिरोज का फोन लेकर उसके सेल्फीज चेक करने लगती है तो उन सेल्फीज में तेजस्विनी को 3 नंबर नजर आता है, मतलब 3 दिनों में फिरोज मरने वाला है। खैर उसके बाद एंटोनी तेजस्विनी को क्लेमेंट के पास ले जाता है। तेजस्विनी का फोन क्लेमेंट को दिखाने लगता है। वो फोन चेक करने के बाद क्लेमेंट बताने लगता है कि फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रेडिएशन थोड़ा ज्यादा है। अब नंबर्स के बारे में बात करें तो वो तो एक कोइंसिडेंट समझता हूँ मैं, इसके बारे में फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे फोन में का सारा डेटा मैंने कॉपी कर लिया है, अगर कोई और सी चीज दिखी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। तो उसी दिन रात क्लेमेंट तेजस्विनी के फोन का डेटा चेक करने लगता है। दूसरे दिन क्लेमेंट तेजस्विनी और एंटोनी को अपने घर बुलाता है और उनसे कहने लगता है, मैंने कल रात तुम्हारा फोन का सारा डेटा चेक किया, उस फोन में एक सीक्रेट फोल्डर है और उस फोल्डर में कुछ छोटे छोटे क्लिप्स है। क्लेमेंट वो वीडियो क्लिप्स तेजस्विनी और एंटोनी को दिखाने लगता है और उस क्लिप में एक बंदा ये कह रहा होता है, कोडिंग तो बहुत ही अच्छी तरह से जा रही है, बैटरी लाइफ को भी मैंने इम्प्रूव किया है, अब मुझे फाइनल आउटपुट का इंतजार है। क्लेमेंट बताने लगता है कि शायद यही बंदा लीजा फोन को डेवलप किया होगा, अगर हम इस बंदे के बारे में पता कर पाए तो इस फोन का राज पता चल सकता है। तो जब ये लोग फिर से उस वीडियो क्लिप को देखते हैं तो बैकग्राउंड में एक कंपनी का लोगो होता है, एक नाम होता है, केरला स्टार्टअप मिशन। तो उसी वक्त ये तीनों उस कंपनी जाते हैं और इस बंदे की फोटो दिखाकर वहां के मैनेजर से पूछने लगते हैं। तो वो बंदा इन तीनों को बताने लगता है कि इसका नाम है आदर्श, हमारे कंपनी में काम किया करता था। आदर्श बहुत ही अजीब किस्म का बंदा था, हर वक्त अपने रूम में रहकर कोई ना कोई काम करते रहता है, किसी को अपने रूम में आने नहीं देता और इसी तरह वो बहुत दिनों तक अपने कमरे में ही रहता था। कुछ दिनों बाद एक फायर एक्सीडेंट में आदर्श की मौत हो गई। अगर आप लोग आदर्श के फ्रेंड से मुलाकात करोगे तो आदर्श के बारे में और कुछ बातें पता चल सकती है। इस तरह से वो बंदा इन तीनों को आदर्श का फ्रेंड का नंबर देता है।
तो इसी तरह से ये तीनों आदर्श का फ्रेंड जिसका नाम होता है नवीन उससे जा मिलते हैं। आदर्श के बारे में पूछने लगते हैं। नवीन बताने लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद आदर्श स्टार्टअप रखना चाहता था, इसीलिए आदर्श अपने माँ के नाम पे लीजा मोबाइल को डेवलप किया। उस फोन की एक स्पेशल बात थी, लीजा फोन को चार्जिंग की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास काफी सारे एनर्जीज होते हैं, वो सारे एनर्जीज को कलेक्ट करके वो फोन खुद ब खुद चार्ज होते रहता है। बहुत ही ऑसम टेक्नोलॉजी है वो। हर रोज आदर्श मुझे वीडियो कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देते रहता था। उसके बाद गुप्ता नाम का एक बंदा आदर्श की प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है इसके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गुप्ता आदर्श को डेडलाइन देते रहा। और जब फाइनल टेस्टिंग की बारी आई तो गुप्ता उस फोन का कैमरा ठीक ना होने की वजह से उस फोन को रिजेक्ट कर देता है। और उसी तरह गुप्ता आदर्श को 21 दिन का वक्त देता है इस फोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर इस बीच में आदर्श ने ऐसा नहीं किया तो आदर्श गुप्ता को नुकसान भरपाई करना होगा, मतलब गुप्ता के सारे पैसे लौटाने होंगे। उसके बाद आदर्श दूसरे इन्वेस्टर्स के बारे में सर्च करते रहता है, लेकिन आदर्श को एक भी इन्वेस्टर नहीं मिलता। बाद में आदर्श को ये बात पता चलती है कि ये सारा सब कुछ गुप्ता की एक चाल थी, मतलब गुप्ता ने ही जानबूझ के उस फोन को रिजेक्ट किया और आदर्श को फाइन पे करने पर मजबूर किया। और इसी तरह आदर्श को दूसरे इन्वेस्टर्स ना मिलने की चाल भी गुप्ता की ही होती है। यह जान लेने के बाद फौरन आदर्श गुप्ता के पास जाकर उसकी हत्या कर देता है। और अपने ऑफिस आने के बाद आदर्श वीडियो कॉल करके नवीन को ये बात बताता है। नवीन फौरन आदर्श को यूएस बुला लेता है और उस वक्त आदर्श ने चार फोन को डिजाइन किया हुआ रहता है। आदर्श वो सारे फोन्स पैक करके अपने ऑफिस को आग लगा देता है सारे सबूत मिटाने के लिए। और जब आदर्श अपने रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है तो कुछ कारणों की वजह से उस कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से उसी कमरे में आदर्श की मौत हो जाती है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक पुलिस वाले को आदर्श के वो चार फोन्स मिलते हैं। वो पुलिस वाला एक फोन को अपने पास रख लेता है और बचे तीन फोन्स को फिलिप को बेच देता है। और मूवी की स्टार्टिंग में जिस पुलिस वाले की मौत हुई थी वो पुलिस वाला यही था। और फिलिप ने उन तीन फोन में से एक फोन अपने पास रख लिया, एक फोन तेजस्वी को बेचा, दूसरा फोन फिरोज को बेचा। और एंटनी ये मानने लगता है कि शायद आदर्श की आत्मा ही इन सारे लोगों को मार रही है उस फोन के जरिए से। लेकिन क्लेमेंट साइंस को मानने वाला होता है, ये भूत प्रेत पे नहीं मानता। क्लेमेंट तेजस्विनी को बताने लगता है कि तुम्हारे हिसाब से आज फिरोज का आखिरी दिन है, तो तुम फिरोज को कॉल करके उसके बारे में पूछ लो। तो उसी तरह से जब तेजस्विनी फिरोज को कॉल करती है तो वो फोन कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये दोनों फिरोज के पास जाने को डिसाइड होते हैं। इस तरफ जब फिरोज अकेले में अपने ऑफिस में होता है तो देखते ही देखते इसके ऑफिस की लाइट चली जाती है और फिरोज को भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। और वो आवाजें फिरोज को ये कह रही होती है, इट्स माय फोन। और थोड़ी देर बाद फिरोज के हेडफोन्स फिरोज का गला घोटने लगते हैं और इसी तरह से एक डिजिटल पेन इसके सीने में चुभ जाता है। और देखते ही देखते उस कमरे का एसी -डिग्री सेल्सियस में जाने लगता है। जब तक तेजस्विनी और क्लेमेंट ये दोनों फिरोज के पास आते तब तक फिरोज फ्रीज होकर मर चुका होता है। ये सब देखकर तेजस्विनी डिसाइड हो जाती है कि अगला नंबर इसी का है, ये भी मरने वाली है। और दूसरे दिन तेजस्विनी अपने घर जाती है। घर आने के बाद इतने दिनों बाद तेजस्विनी अपने भाई से बात करती है, उसका हालचाल पूछती है। और इसी तरह तेजस्विनी अपने फोन को साइड में रखकर अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी वो दिन गुजारने लगती है। अब तेजस्विनी के पास सिर्फ 3 दिन होते हैं। इस तरफ क्लेमेंट अपने एक दोस्त के पास जाता है, तेजस्विनी के बारे में बताते हुए इससे कहने लगता है, मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, लेकिन तेजस्विनी के आसपास जो हो रहा है वो मेरी समझ के बाहर है। तो इसका फ्रेंड क्लेमेंट को बताने लगता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम भूत प्रेत में यकीन नहीं करते, लेकिन तुम ऐसा समझो कि आदर्श की आत्मा एक नेगेटिव एनर्जी है। आदर्श की आत्मा एक नेगेटिव एनर्जी बनकर उन फोन में समा चुकी है। उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे रोकना होगा उसके बारे में सोचो। उसके बाद जब क्लेमेंट किसी लिफ्ट में होता है तो उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। और तभी क्लेमेंट तेजस्विनी और एंटनी को बुलाकर ये बताने लगता है, क्या तुमने कभी गौर किया कि कभी कभी लिफ्ट में फोन के सिग्नल्स नहीं आते, क्योंकि वो लिफ्ट चारों तरफ से लोहे से बंद होता है। छोटे छोटे होल्स के जरिए से सिग्नल्स आती जाती रहती है। ऐसा कहते हुए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लेमेंट तेजस्विनी का फोन लेकर सिल्वर पेपर से बंद करके एक माइक्रोवेव में रख देता है और फिर से उस माइक्रोवेव को सिल्वर पेपर से ढक देता है, मतलब कम्प्लीटली क्लोज कर देता है। और उसी तरह किसी तरह की एनर्जी ना आने के लिए उस घर का पावर ऑफ कर देता है। अब तेजस्विनी के पास सिर्फ 1 दिन होता है। सुबह होने के बाद वो माइक्रोवेव फट जाता है और बिजली की लाइट से एक अजीब की एनर्जी बाहर आती है, लेकिन तेजस्विनी का वो फोन सही सलामत होता है। उसी वक्त तेजस्विनी उस फोन से एक सेल्फी लेती है तो इसे 2 नंबर दिखता है, मतलब इनके हिसाब से उस सेल्फी में 1 नंबर दिखाना चाहिए। कल रात किसी भी तरह की एनर्जी ना आने की वजह से
वो फोन एक डे स्किप कर दिया है, मतलब ये आइडिया काम करता है। लेकिन इस फोन को रोकने के लिए छोटे मोटे वोवेंस काम नहीं करते, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। उसके बाद ये तीनों लोग एक सिलेंडर बनाने की फैक्ट्री में जाते हैं, और यहाँ आने से पहले क्लेमेंट ऑलरेडी सिलेंडर का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका होता है और उस बंदे से कहने लगता है कि हमको इसी तरह का सिलेंडर रात तक चाहिए। उसी दिन रात वो फैक्ट्री वाला बंदा इन तीनों को कॉल करके फैक्ट्री बुलाता है कि तुम्हारा सिलेंडर रेडी हो चुका है। और जब ये तीनों लोग उस फैक्ट्री को जा रहे होते हैं तो रास्ते में स्ट्रीट की करंट के पोल्स इन पर हमला करने लगते हैं। तो किसी भी तरह करके ये तीनों वो फैक्ट्री पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स तेजस्वी पर हमला करते हैं। इस तरह से थोड़ी देर इस फोन के बीच और इन तीनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, और सच में ये क्लाइमैक्स की सीन्स देखने के लायक है, मतलब बहुत ही इंटेंस में चलती रहती है। और इसी बीच में आदर्श की आत्मा एक एनर्जी से बाहर आकर तेजस्वी से कहने लगती है, इट्स माई फोन। खैर बहुत सारी कोशिशों के बाद तेजस्वी किसी भी तरह करके उस फोन को उस सिलेंडर में रख देती है, और एंटोनी फौरन उस मशीन को ऑन कर देता है और वो मशीन उस सिलेंडर को सील करने लगती है ताकि किसी भी तरह की एनर्जी इस सिलेंडर के अंदर ना जा पाए। दूसरे दिन तेजस्वी अपनी एक नई सुबह को देखती है, अपनी एक नई लाइफ को देखती है। और दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है जो क्लेमेंट के सिस्टम में उस फोन का सारा डेटा था, वो सारा डेटा एक्टिवेट हो चुका है और वो सारा प्रोग्रामिंग किसी मोबाइल में ट्रांसफर हो चुका है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।